स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे सस्ते फोन के बारे में, जिसकी कीमत सिर्फ 349 रुपये है। और इस कंपनी ने दावा किया है कि हमने भारत का सबसे सस्ता फोन तैयार किया है। इन्होंने ये फोन बनाया है, उस कंपनी का नाम है वीवा और इस फोन का मॉडल नंबर है V1। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फोन का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि 349 रुपये में इसमें हमें क्या क्या खास फीचर्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें। दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फोन एक सिंपल कीपैड फोन है। इसके आउटसाइड फीचर्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले क्या क्या इसमें आउटसाइड फीचर्स हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें डिस्प्ले जो है 3.6 एमई की इसमें डिस्प्ले मिलेगी। इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें 650 एमएएच की बैटरी कैपेसिटी है, जो काफ़ी अच्छी है 349 रुपये में। और इसमें एक टॉर्च लाइट भी हमको मिलेगी, एक चार्जर मिलेगा इसके साथ और सिंगल सिम को ये सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों, इसके इनसाइड फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो बेसिक फीचर्स के सॉफ्टवेयर में होते हैं। इसमें दोस्तों SMS की सुविधा भी हमको मिलने वाली है। इसमें एक फ़ोन बुक भी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों को ये सपोर्ट करेगा और इसमें FM रेडियो को भी ये सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, रिंगटोन आने पर यानी फ़ोन बजने पर वाइब्रेटर की सुविधा इसमें दी गई, यानी कि इसमें वाइब्रेटर सेंसर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये खास फीचर्स हैं जो 349 रुपये में मिलने वाले हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये फ़ोन काफ़ी 349 रुपये में अच्छा है। अगर आप दोस्तों इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। दोस्तों, ये shopclues.com पर ऑनलाइन इस समय मिल रहा है, आप चाहकर वहाँ से जाकर इसे खरीद सकते हैं। मैंने इसका लिंक आपको दे दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ खास फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आपको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।